दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 22,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े बच्चों को जो समाज से वंचित है उनको प्रशिक्षण दिया जाए एवं उसमें से 70% बच्चों को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि ग्रामीण कौशल योजना को साकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छे से अधिकारी काम कर रहे हैं। 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश ने 2023 तक ऐसे 22,000 बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वंचित समाज से हैं, पिछड़े समाज में से हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वो फ्री में, मुफ्त में जो है वो ट्रेनिंग भी देनी है और 70% से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जहाँ रोज़गार के साधन भी जो है वो मुहैया करवाने हैं। और इसमें विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 तक हम ऐसे 22,000 बच्चों को जो है वो रोज़गार देने में जो है वो सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है हम उसको पूरा करेंगे। सर, जो लोग युवा बेरोजगार हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं उन्हें कहूँगा कि उन्हें अगर अपनी स्किल को डेवलप करना है, कौशल को विकसित करना है, तो आप इसी योजना का जो है वो अवश्य लाभ उठाएं। और हमने इसको ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए जहां गांव की पंचायतों को भी जो है वो इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।